आज हम एक कटिंग टूल के बारे में सीखने वाले हैं। इस कटिंग टूल का नाम चीजल है। इस वीडियो में हम चीजल के मटेरियल, उसके पार्ट्स, वर्गीकरण और उसके विभिन्न प्रकारों को सीखेंगे। कार्य के अनुसार किस प्रकार से चीजल का चयन किया जाता है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चीजल के पार्ट के बारे में। ये देखिए, चीजल के पार्ट्स में ये वाला भाग इसका हेड कहलाता है। हेड के बाद का ये जो अगला भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, यह इसकी बॉडी या सैंक कहलाता है। इसकी बॉडी षडभुज या अष्टभुज आकार की होती है। यह एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अगले पार्ट में यह भाग इसका कटिंग एज कहलाता है। इसी कटिंग एज के द्वारा किसी मटेरियल की कटिंग की जाती है। चीजल के कटिंग एज को काटे जाने वाले मटेरियल की धातु के अनुसार ग्राइंड किया जाता है। अलग अलग धातु के लिए इसका कटिंग एज जो है अलग अलग कोण में ग्राइंड किया जाता है। चीजल को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है तथा चीजल में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वह 1 से 1.2% होती है। चीजल के कटिंग एज वाले भाग को लगभग 25 से 35 mm तक हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। बाकी चीजल में इसकी बॉडी या इसके हेड को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता। चीजल के द्वारा जब कटिंग की जाती है तो इसी हेड के ऊपर में हैमरिंग की जाती है। हैमरिंग के कारण इसके हेड की जो आकृति है वह इस प्रकार की हो जाती है। चीजल के हेड का इस प्रकार से बन जाना मशरूम हेड कहलाता है। यदि किसी चीजल में इस प्रकार से मशरूम हेड बना हुआ है तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोग करने से पहले इसे ग्राइंड कर लेना चाहिए। चीजल का यह भाग इसका कटिंग एज कहलाता है। इसके कटिंग एज में यहाँ पर जो कोण निर्मित होता है उसे कटिंग एंगल कहा जाता है तथा इसके पीछे वाले भाग में यहाँ पर जो कोण निर्मित होता है इसे फोर्जिंग एंगल कहा जाता है। चीजल के द्वारा जब मटेरियल की कटिंग की जाती है तो इसी फोर्जिंग एज के कारण चीजल जो है वह मटेरियल में फंसता नहीं है और कटिंग करने के पश्चात यह जो चीजल है आसानी से बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं चीजल के प्रकार के बारे में। तो चीजल मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रयोग में लाई जाती है। इसमें पहली होती है हॉट चीजल और दूसरी है कोल्ड चीजल। थोड़ा यहाँ हॉट चीजल को समझ लेते हैं। हॉट चीजल का प्रयोग ब्लैक स्मिथ शॉप में या लोहारी शॉप में जब गर्म जॉब की कटिंग करना हो तो उस समय में हॉट चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो चीजल है उसका नाम है कोल्ड चीजल। साधारण रूप से हम जो चीजल वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं वह कोल्ड चीजल होती है। कोल्ड चीजल के प्रकार में पहला है फ्लैट चीजल, नेक्स्ट है क्रॉस कट, इसे केप चीजल कहा जाता है। तीसरा है हाफ राउंड नोज चीजल। चौथा है डायमंड पॉइंट चीजल। इसमें अगली है साइड चीजल। फिर अगली है काउ माउथ चीजल। उसके बाद अगली है वेब चीजल। ये जो चीजल आप देख रहे हैं इसका नाम है फ्लैट चीजल। इसका प्रयोग साधारण कार्य के लिए किया जाता है। इसकी ये जो बॉडी है यह षडभुज या अष्टभुज आकार की होती है। इसकी लंबाई जो होती है वह 100 से लेकर 400 mm तक होती है और इसका ये जो कटिंग एज वाला भाग है यह 16 से 32 mm चौड़ाई का होता है। ये जो चीजल हम देख रहे हैं इसका नाम है क्रॉस कट चीजल, इसे केप चीजल भी कहा जाता है। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्रॉस कट चीजल का अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम केप चीजल होता है। इसकी आकृति भी षडभुज या अष्टभुज आकार की होती है और इसकी लंबाई जो होती है वह 100 से 400 mm लंबाई की होती है तथा इसके ये जो कटिंग एज वाला भाग है, ये देखिए ये जो कटिंग एज वाला भाग है इसकी चौड़ाई 4 से 12 mm होती है। इसका प्रयोग चाबी घाट यानी कि कीवे बनाने के लिए तथा नालियाँ काटने के लिए किया जाता है। किसी बड़ी सतह पर जब नालियाँ काटना होता है तो फ्लैट चीजल के प्रयोग से पहले क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। अगली चीजल है हाफ राउंड नोज चीजल। इस चीजल का अधिकतर प्रयोग बियरिंग के अंदर तेल की नाली काटने के लिए किया जाता है और साथ ही ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के रनआउट को सेंटर में लाने के लिए इस चीजल का इस्तेमाल किया जाता है।
इस चीजल की लंबाई 150 से 250 mm होती है तथा इसकी जो कटिंग एज है इसकी चौड़ाई 2 से 16 मिलीमीटर होती है। अगली जो चीजल है उसका नाम है डायमंड पॉइंट चीजल। इसका जो आगे वाला भाग होता है यह वी आकार का होता है तथा इसके जो कटिंग एज का कोण होता है वह 45 डिग्री का होता है। इस चीजल का प्रयोग वी आकार की नाली काटने के लिए तथा कोनों को साफ करने के लिए किया जाता है। प्रयोग खुदाई करने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कास्ट आयरन के पाइप को काटने के लिए किया जाता है। इस चीजल की लंबाई 100 से 400 mm तक होती है तथा इसका जो कटिंग एज वाला भाग है उसकी चौड़ाई 6 से 16 मिलीमीटर होती है। अगली जो चीजल है उसका नाम है साइड चीजल। यह दिखावट में फ्लैट चीजल की तरह होती है परंतु इसका जो कटिंग एज वाला भाग है वह 90 डिग्री में मुड़ा हुआ होता है। इसका प्रयोग कार्टर वेज और स्लॉट्स बनाने के लिए किया जाता है। इस चीजल का प्रयोग वर्गाकार आयताकार नाली के कोनों को काट कर ठीक करने के लिए भी किया जाता है। अगली जो चीजल है उसका नाम है काऊ माउथ चीजल। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, काऊ का मतलब होता है गाय, तो यह जो चीजल होती है इसकी आकृति गाय के मुंह के जैसी होती है। जब मटेरियल की कास्टिंग की जाती है तो इसका प्रयोग कास्टिंग के बाद रफ स्पॉट को हटाने के लिए किया जाता है और जब चमड़े या रबर के वासर काटना होता है तो उस समय भी इस चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी इस चीजल का प्रयोग रिविटिंग के पश्चात रिविट के हेड को साफ करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार से यह जो चीजल है वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकती है। अगली जो चीजल है उसका नाम है वेब चीजल। यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह जो चीजल होती है यह आयताकार आकार की होती है। इस चीजल का प्रयोग चैन ड्रिलिंग के पश्चात धातु को अलग करने के लिए किया जाता है। चीजल से चिपिंग करते समय चीजल के द्वारा जो कोण निर्मित होते हैं उन्हें हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चित्र में मैंने एक चीजल बनाया हुआ है। ये देखिए ये जो है ये चीजल बनी हुई है। इस चीजल के बीच वाले भाग में सेंटर वाले भाग में जो कोण बन रहा है उसे पॉइंट एंगल कहा जाता है या पॉइंट कोण कहते हैं। उसके बाद ये जो सतह हम देख रहे हैं इसे कार्यकारी सतह कहा जाता है। कार्यकारी सतह का अर्थ यह है कि जिस भाग में चीजल के द्वारा चिपिंग की जा रही है वह नीचे की जो सतह है उसे कार्यकारी सतह बोलेंगे। ये देखिए ये चीजल मैंने यहाँ ऐसे रख दिया है। जब चीजल के द्वारा चिपिंग की जाती है तो ये जो चीजल होता है ना इसे सतह में इस तरह से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये देखिए ये मेरी पूरी सतह है नीचे की। अब अगर मैं इससे चिपिंग करूँगा तो ये क्या होगा कि चिपिंग नहीं करेगी बल्कि ये क्या करेगी कटिंग कर देगा मटेरियल की। तो क्या करते हैं कि चिपिंग करते समय चीजल को इस तरह से झुका के इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीजल के ये जो बीच वाला भाग है यह इसका पॉइंट कोण कहलाता है और ये जो कार्यकारी सतह से चीजल अपने पॉइंट कोण के बीच में कितनी झुकी हुई है इसे चीजल का झुकाव कोण कहा जाता है। अब चीजल में अगला जो कोण आता है वह है इसका अवकाश कोण। तो यहाँ हम पहले अवकाश कोण को समझ लेते हैं। चीजल का ये जो कटिंग एज का इतना भाग यहाँ से यहाँ तक का भाग ये इसका ये वाला भाग इसकी निचली फलक है और ये ऊपर वाला भाग इसकी ऊपरी फलक है। देखिए निचली फलक और कार्यकारी सतह के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण का नाम है अवकाश कोण या क्लियरेंस एंगल। क्या होता है कि यदि हम चीजल को झुकाएंगे इस प्रकार से ऐसे मैं यहाँ झुकाऊंगा तो उससे क्या होगा कि अवकाश कोण बहुत कम हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। मैंने यहाँ ये चीजल रख दिया है और अब मैं इस चीजल को झुका रहा हूँ, इसके झुकाव कोण को कम कर रहा हूँ। तो जब मैं इसके झुकाव कोण को कम करता हूँ तो इसका अवकाश कोण भी कम हो जाएगा। यदि अवकाश कोण बहुत कम, देखिए बहुत कम हो गया या मान लेते कि शून्य हो गया, तो जब अवकाश कोण बहुत कम या शून्य हो जाएगा तो उस समय यह जो चीजल है धातु में प्रवेश नहीं करेगी। अब इसमें जो अगला कोण आता है उसे बोलते हैं रेक कोण। ये देखिए ये जो चीजल की ऊपरी फलक है ये कटिंग एज के ऊपर वाला भाग और कार्यकारी सतह के बीच में यदि एक लंब डाल दिया जाए, ये देखिए कार्यकारी सतह के बीच में मैंने यहाँ पे एक लंब बना दिया, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसे रेक कोण कहा जाता है। अब देखिए जब इसका क्लियरेंस एंगल कम होगा तो इसका रेक कोण बढ़ेगा।
या इसका यदि क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो रेक कोण जो होगा वो कम होगा। मतलब कि किसी चीजल में रेक कोण और क्लियरेंस कोण यह दोनों एक दूसरे के ऊपर में निर्भर होते हैं। यदि रेक कोण बढ़ेगा तो क्लियरेंस एंगल कम होगा, यदि क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो रेक कोण कम होगा।